रूस यूक्रेन युद्ध ने दोहरा शतक लगा दिया है, ये अब भी जारी है। शुरुआती लड़ाई में रूस जीतता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब कहानी कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा रूस से वापस छीन लिया है। 12 सितंबर को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि उनकी सेना ने लगभग 6000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर फिर से अधिकार जमा लिया है। इन दावों की अभी पुष्टि होनी बाकी है, क्योंकि लड़ाई के मोर्चों तक पत्रकारों को जाने की अनुमति नहीं है और जब तक किसी स्वतंत्र सोर्स से इसकी पुष्टि ना हो यकीन करना मुश्किल होता है। दरअसल युद्ध के समय में एक देश दूसरे देश का मनोबल कम करने के लिए ऐसा करता रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध से और क्या क्या अपडेट है वो भी आपको बता देते हैं। रूस ने यूक्रेन के इजियम और कुप्यांस्क से पीछे हटने की पुष्टि खुद की है। कुप्यांस्क रूस की सेना के अहम सप्लाई रूट पर पड़ता है, वहीं इजियम पर कब्जे के लिए रूस ने महीने भर तक लड़ाई की थी। इन दोनों जगहों से रूस के पीछे हटने को पुतिन की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। रूस का तर्क है कि वो अपने सैनिकों को जमा रहा है, उसका दावा है कि उसकी सेनाएं अब लुहांस्क और दोनेत्स्क पर फोकस करेंगी। इन दोनों इलाकों को फरवरी 2022 में पुतिन ने अलग से मान्यता दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी सेना को स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया था। यूक्रेन के तकरीबन 20% हिस्से पर अभी भी रूस का नियंत्रण है, लेकिन जिस रफ्तार से यूक्रेनी सैनिक वापसी कर रहे हैं, ये स्थिति बहुत जल्द बदल सकती है। यूक्रेन की बढ़त के बीच रूस का माहौल क्या है ये भी आपको बताते हैं। रूस की सरकारी मीडिया ने पहली बार ये स्वीकारा है कि रूसी सेना को पहली बार मुश्किल का सामना करना पड़ा है। आमतौर पर सरकारी मीडिया में राष्ट्रपति पुतिन और सेना का गुणगान होता रहा है, लेकिन 11 सितंबर को नजारा बदला हुआ था। इस प्रोग्राम में कहा गया कि यूक्रेन की लड़ाई का सबसे मुश्किल हफ्ता रहा। इसके अलावा भी कई ब्लॉगर्स और मिलिट्री एनालिस्ट ने सेना की आलोचना की है। इससे पहले चेचेन रिपब्लिक के मुखिया और पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव ने भी रूसी सेना के खिलाफ बयान दिया था। टेलीग्राम पर भेजे एक मैसेज में कादिरोव ने कहा था कि बहुत कुछ प्लान के अनुसार नहीं हो रहा है। कादिरोव ने यह भी कहा था, अगर स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन में जल्दी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया तो मुझे राष्ट्रपति से मिलकर उन्हें सच बताना होगा। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन ये साफ है कि जमीन पर कई गलतियां हुई हैं। कादिरोव के बयान से ये साफ है कि रूस की लीडरशिप के सामने बड़ा संकट आ चुका है। उन्हें यूक्रेन के जवाबी हमले ने बदहवास कर दिया है। रूस में पुतिन को हमेशा एक विजेता के तौर पर देखा गया है। माना जाता है कि पुतिन के पास हर मुश्किल का इलाज है, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद से ये छवि बदल गई है। पुतिन अपने कार्यकाल में संभवतः पहली बार दलदल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो उससे उभर पाएंगे, यही आने वाले समय में रूस और खुद उनका भविष्य तय करेगा। यूक्रेन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं, अब चलते हैं बड़ी खबर के आखिरी हिस्से की तरफ। एक दफा महात्मा गांधी ने कहा था, द मोमेंट द स्लेव रिजॉल्व्स दैट ही विल नो लॉन्गर बी अ स्लेव हिज फेटर्स फॉल, फ्रीडम एंड स्लेवरी आर मेंटल स्टेट्स। जिस क्षण एक गुलाम ये निश्चय कर लेता है वो अब गुलाम नहीं रहेगा, उसकी बेड़ियां उसी वक्त गिर जाती हैं। आजादी और गुलामी मानसिक अवस्थाएं हैं। अगर महात्मा गांधी आज जिंदा होते तो यूएन की नई रिपोर्ट देखकर और भी कुछ कहते। क्या है इस रिपोर्ट में? यूएन की नई रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में 5 करोड़ से अधिक लोग आधुनिक गुलामी के शिकार हैं। ये रिपोर्ट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और वॉक फ्री, इन तीनों ने मिलकर तैयार की है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि पूरी दुनिया में लगभग 5 करोड़ लोग आधुनिक गुलामी के शिकंजे में फंसे हुए हैं। ये लोग या तो बंधुआ मजदूरी में धकेल दिए गए हैं या उनकी जबरन शादी करवा दी गई। हर 4 लोगों में से एक बच्चा है। इसके अलावा 54% महिलाएं हैं। 2,70,00,000 लोगों से जबरन मजदूरी करवाई जा रही है, जबकि 2,20,00,000 लोगों की जबरन शादी कराई गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 के अंत तक बंधुआ मजदूरों की संख्या 2,80,00,000 थी, जो पिछले सालों में बहुत बढ़ी है। लोगों से जबरन मजदूरी के अधिकांश मामले प्राइवेट सेक्टर से हैं। इसमें कृषि, निर्माण और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं। ऐसी मजदूरी में फंसे लोगों की संख्या 86% है। बाकी बचे 14% मामले ऐसे हैं जिनमें सरकार की मिलीभगत है। इसके अलावा 60,00,000 से अधिक महिलाओं और लड़कियों को शादी के लिए मजबूर किया गया है। जबरन शादी के 85% से अधिक मामलों में परिवार का दबाव था। अधिकांश मामले एशिया और अरब देशों से सामने आए हैं। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभरात्रि। लल्लन टॉप का सबसे ठस
ठेठ और ठसकदार बेबी। आ गया है ललन टॉप का पॉडकास्ट जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ ललन टॉप ऐप पर।